दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैले मंकी पॉक्स वायरस ने अब भारत में दस्तक दे दी है। 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले से देश का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आया है। मरीज हाल ही में यूएई से केरला लौटा था। दुनिया में अब तक मंकी पॉक्स के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में इस वायरस के मिलने से टेंशन बढ़ गई है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का कोशिश करते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे हो सकता है। मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण बुखार, कपकपी, लिम्फ नोड में सूजन, कमर में दर्द, शरीर में दर्द और थकान है। वह इससे गंभीर लक्षण की बातें करें तो बुखार शुरू होने के 3 दिन में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं जो फफोले और घाव बन जाते हैं। इसकी शुरुआत चेहरे से होती है और फिर हथेली और तलवे में फैल जाते हैं। यह लक्षण आमतौर से 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं पर गंभीर होने पर जान का खतरा भी बना रहता है। हालांकि इससे मृत्यु दर महज 1 से 10% ही होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चेचक, खसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खुजली और दवाओं से होने वाले एलर्जी मंकी पॉक्स से अलग होती है। साथ ही मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स में सूजन होती है जबकि चेचक में ऐसा नहीं होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 7 से 14 दिनों का होता है लेकिन यह 5 से 21 दिनों का भी हो सकता है। स्किन पे दाने आमतौर पर बुखार आने के 2 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं। 95% मामलों में ज्यादातर दाने चेहरे पर निकलते हैं। 75% केस में दाने हथेली पे पैरों के तलवे में होते हैं जब 70% केसेस में यह ओरल म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करते हैं। साथ ही ये आंख और प्राइवेट पार्ट्स एरिया में भी देखने को मिलते हैं। मंकी पॉक्स होने के बाद स्किन फटने का स्टेज 2 से 4 सप्ताह के बीच रह सकता है। पहले ये दाने पानी और फिर मवाद भर जाते हैं और फिर इनमें पप्पी पड़ जाती है। ये पप्पी पेनफुल स्टेज होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरीजों को आंख में दर्द या धुंधला दिखाई दे, सांस लेने में तकलीफ हो और कम पेशाब हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए और खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। मंकी पॉक्स को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक सभी हेल्थ सेंटरों में ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें जिससे शरीर पे दाने दिखते हैं। पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री जिस मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड है सीधा संपर्क रहा है। पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड देशों की ट्रेवल हिस्ट्री किसी मंकी पॉक्स सस्पेक्टेड से सीधे संपर्क रहा हो सभी संदिग्ध केसों को हेल्थ केयर फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा जब तक उसकी दाने की पपड़ी नहीं उतर जाती। मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीजों के फ्लूइड या खून का सैंपल NIV में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है फौरन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग शुरू की जाएगी। विदेश से आने वाले यात्रियों को ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जो स्किन रोगों से पीड़ित हो। यात्रियों को चूहे, गिलहरी, बंदर सहित जीवित अथवा मृत जंगली जानवरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अफ्रीकी जंगली जीवों से बनाए गए उत्पादों जैसे क्रीम, लोशन, पाउडर का इस्तेमाल करने से बचें। शिकार के प्राप्त मांस को ना खाएं और ना ही बनाएं। अमेरिका के नेशनल हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने अपने वेबसाइट बताया है कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए अभी कोई इलाज उपलब्ध नहीं है लेकिन दवा के साथ इसे रोका जा सकता है। मार्केट में पहले ही ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो मंकी पॉक्स के इलाज में इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड है, बीमारी के खिलाफ प्रभावी हो रहे हैं जैसे सिडोफोविर 8246 एंड वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबिन का इस्तेमाल मंकी पॉक्स के संक्रमण में किया जाता है। मंकी पॉक्स की रोकथाम और उपचार के लिए जीनियोस्टियम वैक्सीन भी उपलब्ध है जिसे इम्यून या इम्यूनेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को डेनिश दवा कंपनी बवेरियन नॉर्डिक बनाती है। अफ्रीका में इसके इस्तेमाल से पिछले आंकड़े बताते हैं मंकी पॉक्स रोकने के लिए 85% प्रभावी है। आइए आप कुछ आम सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। मंकी पॉक्स का नया पैटर्न क्या है? पहली बार मंकी पॉक्स 1958 में खोजा गया था। तब रिसर्च के लिए 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी का लक्षण सामने आए थे। इंसान में इसका पहला मामला 1970 के कांगो में 9 साल के बच्चे में पाया गया। आमतौर पे ये बीमारी रोडेंट्स यानी चूहे, गिलहरी और नए बंदरों से फैलती है। मंकी पॉक्स और चेचक एक ही वायरस फैमिली से है। WHO और दुनिया भर के नेशनल हेल्थ एजेंसियों के पास चेचक से लड़ने का दशक का अनुभव है जिसे 1980 में दुनिया को खत्म घोषित कर दिया गया था। इसका अनुभव मंकी पॉक्स के इलाज में काम आ सकता है।
इतने सालों में यह बीमारी कभी भी बड़े पैमाने पर अफ्रीका के बाहर नहीं गई, लेकिन इस बार बिना अफ्रीका की ट्रेवल हिस्ट्री के विकसित देशों में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस नए पैटर्न की वजह से दुनिया घबराई हुई है। मंकी पॉक्स का इस बार का प्रसार बहुत असामान्य है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका यूरोपियन देशों में तेजी से फैल रहा है, जहां आमतौर पर वायरस नहीं पाया जाता है। यूरोप मंकी पॉक्स के प्रसार का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इस साल अब तक मंकी पॉक्स के कंफर्म्ड केसेस में 80% से ज्यादा केस यूरोपीय देशों से आए हैं। अमेरिका के 37 राज्यों में अब तक मंकी पॉक्स के 750 केसेस सामने आए हैं। दूसरा प्रश्न, मंकी पॉक्स आउटब्रेक पहले कब हुआ था? 1970 में कांगो में मंकी पॉक्स का पहला ह्यूमन केस सामने आया। इसके बाद 11 अफ्रीकी देशों में रिपोर्ट किया गया है, जैसे कि बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गेबोन, लाइबेरिया, नाइजेरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सियरा लियोन और साउथ सूडान। अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स का पहला आउटब्रेक 2003 में अमेरिका में हुआ। ये पालतू कुत्तों के संपर्क में आने से फैला था। ये पालतू कुत्ता ऐसे चूहों के पास रखे थे जिन्हें घाना से इम्पोर्ट किया गया था। तब अमेरिका में 70 मामले की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा इसराइल में 2018 में, ब्रिटेन में 2018, 19, 20 और 22, सिंगापुर में 2019 में मंकी पॉक्स के मामले पाए गए। इन सभी केसों में कोई ना कोई ट्रेवल हिस्ट्री थी। क्या मंकी पॉक्स की बीमारी महामारी में बदल सकता है? यूरोप में WHO की पैथोजन थ्रेट टीम के प्रमुख रिचर्ड पीबॉडी के मुताबिक मंकी पॉक्स आसानी से नहीं फैलता और इससे फिलहाल कोई जानलेवा गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। इसके आउटब्रेक को लेकर COVID-19 जैसे वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लोग संक्रमण से बचाव के लिए सेफ सेक्स करें, हाइजीन का ध्यान रखें और नियमित तौर पे हाथ धोते रहें। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का भी मानना है कि इसे देशभर में फैलने का रिस्क बहुत कम है। एक्सपर्ट का कहना है इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मंकी पॉक्स का वायरस म्यूटेट होकर और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट विकसित कर रहा है। यह कोविड नहीं है, यह हवा में नहीं फैलता और हमारे पास इसके रोकने के लिए वैक्सीन पहले से ही मौजूद है। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।